हेलो, हाय हाय, वेरी गुड इवनिंग. सब लोग आ गए. सो देख लो, आज अपन शाम 5 बजे मिले हैं. हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो? तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर प्रिपरेशन. सो मिलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छे से. तो ध्यान दीजिएगा, आज का सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है. अपन अभी 12 बजे भी एक सेशन था, वो भी आप देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा है. डेली देखो, 2 12 बजे और एक तो 12 PM पे और एक 5 PM पे अच्छे अच्छे सेशंस हो रहे हैं आप लोगों के लिए डेली. ठीक है, तो डेली आओ और डेली ज्वाइन करो, मजे आएंगे. ठीक है, तो चलिए लेट अस बिगिन आवर सेशन. और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा मैं बताता हूँ आपको, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप. इफ यू आर सिटिंग एट होम, बी सेफ एंड कंटिन्यू योर स्टडीज. किसी भी चीज को स्टॉप नहीं करना है, आप पढ़ते जाएं. ठीक है, बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं. ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर गोइंग टू हैव. तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और वहीं पे मैं आपके पास मिल जाएगा कंप्लीट केमिस्ट्री का मटेरियल भी, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा. जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं गाइस, तो वहाँ पे आएगा आपके पास सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन. एंड वेन यू आर गोइंग टू गेट द सब्सक्रिप्शन, द वाई वी आर पंचिंग ऑन सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिस्टमैटिक स्टडीज विद वन टू वन इंटरेक्शन विद डाउट क्लियरिंग सेशंस. हर 3 क्लास के बाद एक डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. सो यूज द कोड HLM, जहाँ से आपको मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये 10% का कोड लगा लीजिए, HLI इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आप मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे. मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक्सटेंड कंप्लीट मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ PDF. प्लस इसी के साथ साथ आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाय एवरीवन, हेलो, चलिए स्टार्ट करें. ओके, सो ये मेरे करंट कोर्सेज है जो रन कर रहे हैं सक्सेसफुली ऑन प्लस प्लेटफॉर्म फॉर 21 एंड 22. आके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए, एक पिक्चर से आपको आज का मैं टॉपिक समझा देता हूँ. देखो, अपन कंप्लीटली वी आर डेडिकेटेड टू NCERT. जितना भी बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का पार्ट तुम्हारे अभी तक पूछा गया है नीट एग्जाम में, ना तो NCERT से ज़्यादा पूछा जाता है, ना NCERT से कम पूछा जाता है. तो आपको NCERT का हर एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग. यहाँ पे मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, तो मोनोमर्स और पॉलीमर का आपका यहाँ पे पिक्चर अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्लैरिफाई हो रहा होगा. मोनोमर्स मतलब ये क्या, मोनो मतलब सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट. जब सिंगल यूनिट एक साथ मिलती है, सिंगल यूनिट एक साथ मिलती है, दे अंडरगो द फॉर्मूला ऑफ पॉलीमराइजेशन, दे फॉर्म अ पॉलीमर्स. दे फॉर्म वॉट, पॉलीमर्स. तो ये मोनोमर्स से मतलब मोनोमर्स से पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनाने का और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपको अपन सीखने वाले हैं. ठीक है, किस तरीके से मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंड ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी. चलो आगे बढ़े. क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हाँ, ले सकते हो बेटा, अब तो ले लो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप लोग, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है, पर जो 2020 वाले हैं तो वो तो 1 मंथ का ले सकते हैं. यूज द कोड HLI, मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा. ठीक है, अपन और जो भी तुम्हारे डाउट है वो भी क्लियर कर लेंगे. ठीक है, प्लस इसी के साथ साथ हम लाएंगे आप लोगों के लिए 21 22 के लिए, तो हो गई सब चीज, आप ज्वाइन कर ही सकते हैं. हाँ, वो अरे कार, कार से क्या मतलब है, वो कार मेरी नहीं है भाई, वो कार आनंद वनी सर की है, उनसे पूछ लेना. ठीक है, वो बता देंगे आपको. चलें स्टार्ट करें अब अपना सेशन. चलिए, हाँ तो 21 के लिए आ जाओ, 22 के लिए आ जाओ, वहां पे स्टार्ट कर लो. 21 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, 1 ईयर 2 ईयर का. अब तो हो जाएगा बेटा, मतलब तुम्हारे एग्जाम से पहले ही करा दूंगा. देखो, ऑर्गेनिक तो खत्म हो ही गया है, फिजिकल में ऑलरेडी तुम्हारे पढ़ाई रुका हूँ, है ना, तो बस हो जाएगा. हाँ बस 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 बस, चलिए
स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई की बातें स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड पॉलीमर, द वर्ड पॉलीमर फॉर्म्स बाय यूजिंग टू वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड, दैट इज पॉली मीन्स व्हाट, यू आर गोइंग टू हैव मैनी मैनी यूनिट्स, एंड द टर्म पॉलीमर इज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मासेस, हाई मॉलिक्यूलर मासेस, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मासेस, इतना मॉलिक्यूलर मास होता है 10^3 से 10^U तक, ठीक है, 10^3 से 10^7 तक, 10^3 से 10^7 तक यू। मैं किसी से झूठ नहीं बोलता है ना, स्टूडेंट से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। दीज आर रेफर टू एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बाई ज्वाइनिंग दैम रिपीटेडली तो बड़ा यूनिट बन जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन पॉलीमराइजेशन, इस प्रोसेस को बोल देते हैं अपन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो अब ये पॉलीमराइजेशन कौन कौन से, कितने तरीके के पॉलीमर होते हैं, एक तो होते हैं सिंथेटिक हो गए और एक होते हैं अपना एक तो सिंथेटिक हो गए और ये एक क्या हो गए, नेचुरल पॉलीमर हो गए। तो नेचुरल पॉलीमर्स देखिए, जैसे कि ये रहे नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि सेल्यूलोस, स्टार्च, रेजिन्स, प्रोटीन, दे आर फाइंड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, अपन को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लांट्स और एनिमल्स से जो मिलते हैं। और आप चिंता ना करें बच्चों, पूरा सेशन अटेंड करना, अपन क्वेश्चन भी करने वाले हैं ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो पूरा आप देखते रहें, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए ओके। सो देन यू आर गोइंग टू हैव सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक थोड़ा बाहर से लिया, थोड़ा हमने बनाया, ठीक है, दैट विल बी कौन कौन से हो गए, सेल्यूलोस डेरिवेटिव जितने भी है, सेल्यूलोस एसीटेट जो अपन थोड़ा सा कुछ मटेरियल ऐड करते हैं, रेयन बनाते हैं, सेल्यूलोस नाइट्रेट होता है, एंड सिंथेटिक मतलब जो कम्प्लीटली अपन खुद बनाते हैं, कम्प्लीटली अपन खुद कौन कौन से बनाते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर प्लास्टिक, पॉलीथिन, फाइबर, सिंथेटिक रबर्स, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा चैप्टर है ये, ठीक है, तो इसके कहीं भी मार्क्स जाने नहीं चाहिए अगर आता है तो क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। हाँ बेटा, सारे अभी डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो, नाइलॉन 6x का, ब्यूना एस का, सब चीज डिस्कस करने वाले हैं, बस देखते जाओ, ये डेफिनेशन है तो आप चुपचाप चुपचाप पढ़ते रहो, ठीक है, चलिए ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक भी हो गए, सेमी सिंथेटिक भी हो गए और ये भी हो गया। अब देखो, पॉलीमराइजेशन कराने के दो तरीके होते हैं, पॉलीमराइजेशन कराने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो तरीके के इन द साइंस, एक तो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन और कंडेंसेशन बड़े फेमस तरीके हैं, एक क्वेश्चन पक्का आता है एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के तरीके। अब सुनो, इसमें कैसे करते हैं पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन की अगर बात करूं तो एडिशन मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो दो कोई भी कंपोनेंट है ये मिलके सी बना दिए, दो कोई भी कंपोनेंट है वो मिलके सी बना दिए। फॉर एग्जांपल आप अपनी है ना 12th class अज्यूम करो, जो भी अगर आप 12th class में हो तो 12th class में आप सपोज करो कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं ना, आप लोग स्कूल में बैठे हुए हैं चुपचाप, ठीक है, आपकी क्लास चल रही है, पर अचानक पता चलता है उस क्लास को हम लोग क्या बना देते हैं, उस क्लास को बना देते हैं हम लोग गेम्स पीरियड, है ना, मान लो वो टीचर एब्सेंट हो गया, तो होता था ना अपन पढ़ते थे ऐसा समझते थे कि वो क्लास किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा वो क्लास हो गया किसमें कन्वर्ट, हाँ वो सब आएगा, सब आएगा, बस देखते जाओ, ठीक है, तो हमारा वो क्लास किसमें कन्वर्ट हो गया, गेम्स पीरियड में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ क्या वहाँ पे, अब हुआ क्या, अब वहाँ पे ये हुआ, हाँ वही 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 हुआ क्या वहाँ पे, आपसे बोला गेम्स खेलने जाओ, तो आपका ग्राउंड में जाने के लिए, आपको ग्राउंड में जाने के लिए उन्होंने बोला सबको लाइन बना के जाना है, चुपचाप लाइन बना के सबको जाना है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, 10 लोग जाएंगे तो 2 इधर जाएंगे, 2 उधर घूमने जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, होता है ऐसा, ठीक है, तो 10 निकले थे पर 10 से वहां पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स निकल गए, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स बीच में ही निकल गए, वो मॉलिक्यूल शैतान मॉलिक्यूल कौन होते हैं, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कुछ जाने तो सारे चाहिए थे 10, पर 10 से कुछ लोग बाहर हो गए, तो 10 से कुछ लोग जैसे ही बाहर हो गए तो वहां पे कुछ लोग वहां पे कम पहुंचे, है ना, जो शैतान मॉलिक्यूल से वाटर अमोनिया इस तरीके के मॉलिक्यूल निकल गए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कौन सा प्रोसेस,
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और जितने थे सीधे साधे बच्चे उतने ही पहुंच गए, जितना पहले थे उतने ही बाद में पहुंच गए, बस जितने थे उतने ही याद में वहां पे पहुंच गए। तो बस देखो देखो लोगों को पता नहीं क्या क्या चीजें याद आ गई हैं, है ना, पता नहीं किसको क्या क्या याद आ गया है ना, सब लोग मतलब कैसे लोग हैं, समझ आई बात, समझ आया कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे होते हैं, मजा आया या नहीं आया, समझ आ गया, अब कभी नहीं भूलोगे। बस इसी को देखो कितना अच्छे से रिलेट कर लिया तुम लोगों ने, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन, है ना, चीजों को सिंपल तरीके से समझो। तो आप देखते हैं अपन एक एक करके कि कैसे कंडेंसेशन होता है, कैसे मतलब आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल होता है। तो बेसिकली ये बनते कैसे, सबसे पहले तो द पॉलीमराइजेशन ऑफ सेम मोनोमर्स और यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट मोनोमर्स एड टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल, दे आर गोइंग टू फॉर्म दीज टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। कैसे होता है भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल होता है तो फ्री रेडिकल हमारे कितने तरीके से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमारे चार तरीके से प्रेफर होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, मतलब तीन स्टेप्स प्रेफर होती है बस। हाँ NH3 भी लॉस हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, CO2 भी निकल सकता है, ये छोटे मोटे शैतान मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, शैतान बच्चे निकलते हैं जब हमने गेम्स पीरियड में उनको लाइन बना के ग्राउंड तक भेजा था, ठीक है। तो ये छोटे मोटे मॉलिक्यूल अभी अपन देखेंगे, ठीक है। हाँ थ्री स्टेप्स में होते हैं। तो सबसे पहला चेन इनिशिएशन स्टेप है बेंजोइल परऑक्साइड, तो ये सिमिलर टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये बन गया। अब यहाँ से होता क्या है, यहाँ से होता है CO2 रिलीज हो जाता है, यहाँ से CO2 निकल जाता है। देखो होता क्या है कि यहाँ पे फ्री, यहाँ का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के यहाँ पे सी डॉट, इस पे ओ डॉट, तो ये डबल बॉन्ड ओ बना लेते हैं, CO2 बना दिया, और ये pH रेडिकल, फिनाइल रेडिकल यहाँ बन गया, ये फिनाइल रेडिकल यहाँ बन गया, फिनाइल रेडिकल प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट विल बी गिविंग टू यू pH CH2 डॉट। अब चेन प्रोपोगेशन कैसे होगी, ये हमने इथीन था, इथीन से ये डायरेक्ट जाके बढ़ जाता है, तो ये CH2 डॉट हो गया। अब n नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गई, तो n नंबर ऑफ यूनिट से आपका बन गया, दोनों यूनिट्स को कंबाइन कर दिया, एक यूनिट इसकी, एक दूसरी यूनिट इसकी, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये बन गया आपका पॉलीथीन। ये पॉलीथीन बनाने का प्रोसेस है, पॉलीथीन बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। तो आपके हिसाब से बच्चों आप खुद बताओ मुझे, ये कौन सा हुआ, ये प्रोसेस कौन सा हुआ, तुम्हें कौन सा लग रहा है, ये कंडेंसेशन लग रहा है या एडिशन लग रहा है आप लोगों के हिसाब से? दिस इज कंडेंसेशन और एडिशन अकॉर्डिंग टू यू ऑल, कौन सा लग रहा है आप लोगों के हिसाब से? सर नहीं ये कंडेंसेशन लग रहा है, नहीं सर ये एडिशन लग रहा है, बोलो भाई। एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है पॉलीथीन, तो भाई जितने थे उतने मिल गए और ये बना दिया, है ना, पॉलीथीन था, एडिशन ही है, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, दिस इज द टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन ओनली, ठीक है, कोई अलग नहीं है। और बच्चों एक और मैं बता देता हूँ, कल सुबह तुम्हारे लिए 9 बजे Part 2 है ना, समझ गए, 9 बजे Part 2 के लिए रेडी रहना, बाहुबली Part 2 9 बजे कल सुबह, ठीक है, 3000 क्वेश्चन सीरीज। ओके चलिए, देन एडिशन पॉलीमराइजेशन अगर खुद ही के, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक यूनिट, एक ही मोनोमेरिक यूनिट का होगा, तो एक ही मोनोमेरिक यूनिट का होगा तो होमोपॉलीमर, अगर दो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट का होगा तो दैट विल बी नेम्ड एज कोपॉलीमर। तो जैसे ब्यूनाइस बनाने की टेक्निक क्या है, ब्यूनाइस बनाने की टेक्निक यह है कि भाई 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन दोनों मिल लें तो वो बना देता है ब्यूनाइस। तो करना कुछ भी नहीं है इसमें, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट कर दो, ये बॉन्ड इधर से इधर, और ये डायरेक्टली इससे कंबाइन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टाइरीन क्या होता है, स्टाइरीन कुछ नहीं होता, pH CH डबल बॉन्ड CH2, स्टाइरीन का ऐसी चुराया है, और यहां से ब्यूनाइस, ठीक है, ब्यूना एस, ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, समझ आई बात? ओके, देन पॉलीथीन। अब पॉलीथीन के भी भाई दो तरीके के टाइप्स होते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, एक होता है LDPE, एक होता है HDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्यों, किस हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में, देखते हैं। तो पॉलीथीन्स आर व्हाट, एज यू ऑल नो दे आर लीनियर और ठीक है,
पॉलीथीन्स आर लीनियरली और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स. दीज आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग. मतलब हीट करो तो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, और ठंडा करो तो हार्ड हो जाए, ठीक है. दे एंड दस दे आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? दे आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर द प्रेशर ऑफ एट हाई प्रेशर, है ना. देखो 1000 to 2000 Kelvin ATM एंड टेम्परेचर 350 to 750 Kelvin. यस. नहीं नहीं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं आते. स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कुछ कहाँ बनवाएगा वो आपसे स्ट्रक्चर. हाँ स्ट्रक्चर नहीं आते ना डिटेक्ट करने के आते हैं. आपको बस फॉर्मूले पूछ सकता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है जी. तो ये है लो डेंसिटी पॉलीथीन. अभी मैं बता दूँ ना बेटा कौन कौन सी होती है, कैसे बनाता है. ट्रेसेस ऑफ इसको बनाते कैसे हैं? द लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड थ्रू द फ्री रेडिकल एडिशन एंड हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन. इट इज हैविली ब्रांच एंड दीज पॉलीमर्स आर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर विद सम ब्रांचेस एज शोन. ये देखो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, छोटी मोटी ब्रांचेस इधर उधर से निकलती रहती है, छोटी मोटी ब्रांचेस इधर उधर से निकलती रहती है जो मैंने यहाँ बनाई है, ठीक है. और लो डेंसिटी पॉलीथीन जो आपको ध्यान रखना है, इट इज इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये तो हर पॉलीथीन का टाइप होता है कि भाई पॉलीथीन का, ये तो आप समझते हो ना, ये पॉलीथीन की लगभग प्रॉपर्टी ये होती है. क्या वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं? नहीं होते हैं. इनसॉल्युबल इन वाटर पॉलीथीन होता है क्या? नहीं होता. क्या सेकेंड, ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, तभी तो इनको इतना ज्यादा यूज किया जाता है. इनर्ट केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं. और पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. पुअर कंडक्टर होता है आपका किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. और इसको कहाँ कहाँ बनाने में काम आता है? इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बॉटल्स टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स. यहाँ पे बनाने के काम आता है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, कैरिंग वायर्स, वायर्स दैट डोंट कैच फायर्स, है ना. तो उन वायर्स में यही प्लास्टिक होता है, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है. Because they are not related to your, मतलब केमिकली एकदम इनर्ट रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है. हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कौन कौन से होते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीथीन ध्यान से देखें. हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर द प्रेजेंस ऑफ कार्बो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. इस कैटलिस्ट को ध्यान रखना है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम ट्राक्लोराइड, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये रहा ट्राइथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. इनको मिलके क्या बना देते हैं? इनको बोल देते हैं झिंगा लाला कैटलिस्ट. जिगलर नाटा कैटलिस्ट का भाई था झिंगा लाला कैटलिस्ट, ठीक है. यहीं से वो एक एड आया है झिंगा लाला, ठीक है. यस, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन. ये पूछा जा सकता है ना, ये पूछा जा सकता है कि इसमें से जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए. अब ये देखो यहाँ पे प्रेशर भी कम है, टेम्परेचर भी कम है एज कम्पेयर टू योर लो डेंसिटी, हाँ लो डेंसिटी पॉलीथिन, ठीक है. तो हाई डेंसिटी पॉलीथिन दस प्रोड्यूस कंसिस्ट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स. कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर मॉलिक्यूल्स और हाई डेंसिटी होती है एंड दे आर लीनियर. इसमें कोई भी चेन ब्रांचिंग ब्रांचिंग कुछ नहीं होती, ठीक है. सच पॉलीमर्स आर नोन एज लीनियर पॉलीमर्स एंड दे आर केमिकली इनर्ट, टफ एंड हार्ड. एवरी पॉलीमर इज बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स एंड पाइप्स, ये सब बनाने में काम आता है. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट यूजेस. बहुत सारे अलग अलग तरीके के भी होते हैं यार, है ना. वो आपने छोटी मोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने के लिए भी काम आते हैं. इन्हीं के दो थर्मो सेटिंग, थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं. बहुत सारे तरीके होते हैं. इट ऑल्सो बेस्ड ऑन द मटीरियल विच यू आर यूजिंग एंड इट ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन फॉर्मेशन वॉट यू आर यूजिंग, ठीक है. चलिए टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है. टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट क्या है? टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट क्या है? तो टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट बड़ा सिंपल है. एफ आते ही फ्लोरीन याद रखना है, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये सी मोनोमर यूनिट है. टेट्रा फ्लोरो इथीन, क्योंकि CF2 क्या कराया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया है, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ के लगा दिया है, फ्लोरीन को लगा दिया है, ठीक है. सो टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्रा फ्लोरो इथीन विद अ फ्री रेडिकल और पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर. इट इज केमिकली इनर्ट
एंड रेजिस्टेंट टू मेक टू अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट्स. इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स बास्केट्स हुआ है ना, एंड नॉन स्टिक सरफेस यूजिंग. ये नॉन स्टिक सरफेस जो मैंने बोला ना, नॉन स्टिकिंग कुकिंग वेयर यूटेंसिल्स होते हैं, नॉन स्टिक कुकिंग वेयर यूटेंसिल होते हैं, मैंने यही तो बोला था यहाँ पे तुम सबको, ठीक है. तो ये कोटेड यूटेंसिल जो होते हैं उनमें काम आता है. तो आज आप प्लास्टिक का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सीख चुके हैं, तो आप इससे को आगे यूज़ कर सकते हैं. प्लास्टिक बनाना सीख गए हैं, कौन सा प्लास्टिक का, तो आप फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हैं कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है. सो द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कैटलिस्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल. तो हाँ, बहुत बढ़िया. और आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं आजकल, पॉलीथीन का कोई रिप्लेसेबल चीज़ मिल जाए, पॉलीथीन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, पता है ना. बहुत ज़्यादा दिस इज हाईली नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है टोटली. इट टेक्स मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट इट इन टू द शेप, टू गेट इट इन टू द मतलब इसको डिग्रेड करने में बहुत टाइम लगता है. अगर डिग्रेड जलाओगे तो बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है. तो आप लोग ऐसे साइंटिस्ट बने, ऐसा कुछ करें अपनी ज़िंदगी में कि इसको रिप्लेस कर सकें, पॉलीथीन को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना. तो कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना है तुम लोगों को, है ना. पहला मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट दे दिया है, ठीक है. हाँ ठीक है, चलो. सो अक्राइलोनाइट्राइल, तो अक्राइलोनाइट्राइल ये रहा अक्राइलोनाइट्राइल, और इसको पॉलीमराइजेशन परऑक्साइड कैटलिस्ट वही, तो पॉली अक्राइलोनाइट्राइल. इनके तो सिंपल सिंपल है, देखो पॉली अक्राइलोनाइट्राइल है तो किससे बनेगा, ये अक्राइलोनाइट्राइल से बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है. हाँ तो CH2 डबल बॉन्ड CHCN, अरे बनाया तो होगा, तुम और अच्छा बनाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ, है ना भाई. ऐसे थोड़ी होता है, अपन भी तो ऐसा करते हैं ना, बना तो लेते हैं, ऑल लोन बोलते हैं, एक्रीलान बोल देते हैं इसको, बना तो लेते हैं, बट ऐसा बनाओ कि और बेनिफिशियर एकदम अच्छा, ठीक है. ये एक कंपाउंड है, ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ होमोपॉलीमर एंड द मोनोमर फ्रॉम विच स्टाइरीन इज ऑब्टेन्ड. दिस इज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर फॉर यू ऑल, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें. अच्छा, यही यही वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, समझ रहे हो, यही वो वाला कंडेंसेशन. अभी तक एडिशन देख रहे थे अपन, यही वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है जिसकी मैं तुम लोगों से बातें कर रहा था, जिसमें वही जो शैतान बच्चे हैं, है ना, इसमें वही मैंने बताया था ना, इसी में वही जो शैतान बच्चे होते हैं ना, जो कुछ शैतान बच्चे होते हैं जो निकल जाते हैं, तो यही है. देखो देखो, दीज पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, देखो, इन द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, लाइन पे ध्यान दो, सच एज वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, एक्सेट्रा, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिकुलर मासेस, दैट विल बी नोन एज योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दैट विल बी नोन एज योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है. तो देखो यार, इसको तो एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टेरिलीन और डेक्रोन कैसे बनाया जाता है. ये पहला आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है. टेरिलीन और डेक्रोन बनाया जाता है बाय द यूज ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल विद टेरेप्थलिक एसिड. इथाइलीन ग्लाइकोल को किस में ऐड कर दो आप, टेरेप्थलिक एसिड में, दोनों को ऐड कर दो. यहाँ से पानी गायब हो रहा है ना, पानी गायब हो रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो H2O गायब हो रहा है, तो H2O निकल जाता है यहाँ से. टेरेप्थलिक एसिड किसको बोलते हैं, बेंजीन 1.4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को. टेरेप्थलिक एसिड किसको बोलते हैं, बेंजीन 1.4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को. अच्छा, तो ये तो बना दिया मैंने, बेंजीन 1.4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. यस, स्टेरिलीन के यूजेस भी आपको पता है, सब लोग एकदम प्रो बन के बैठे हैं, सबको सब आता है, ग्रेट ग्रेट. नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस, जैसे पॉलीमाइड्स. दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ अमाइड लिंकेज. अमाइड लिंकेज जानते हो ना, अमाइड लिंकेज ये होती है, NHC डबल बॉन्ड O, ये लिंकेज, अमाइड लिंकेज निकालते हैं अपन. नाइलॉन 6,6 सबसे इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 6,6 कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, देखो ऐसे बनाया जाता है. इसको नाम कैसे याद रखते हैं भाई, एक का एक NH2 होता तो अमीन बोलते हैं, दो NH2 है तो दो NH2 है तो क्या बोल दिया अपन ने, डाई अमीन. और कितने मिथाइल ग्रुप है, 6 मिथाइल ग्रुप है, तो हेक्सा मिथाइल लीन डाई अमीन, तो हेक्सा मिथाइलीन डाई अमीन इसको बोला जाता है, तो हेक्सा मिथाइलीन डाई अमीन तो नाम आ गया इसका पढ़ना,
याद नहीं करना, समझो इस नाम को, है ना, 6666 लिखा रहेगा तो अपने आप इधर भी 6 कार्बन डालने, इधर भी 6 कार्बन डालने हैं, ठीक है। ये 6 इज द कार्बन काउंट, 6 इज व्हाट, इट इज द काउंट ऑफ कार्बन, ठीक है ठीक है। और हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, तो ये 6 कार्बन और NH2 NH2, यहाँ पे अगर देखोगे तो आप कार्बन यहाँ पे कितने हैं, कार्बन यहाँ पे आ गए 4 और एक COH और एक COH, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बोलते हैं एडिपिक एसिड, याद है, डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है, डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, जो अपन पढ़ते ना ओम्स गैप, ओम्स गैप पढ़ते थे, तो यहाँ पे ये वैल्यू आती थी N0 पे, ये आती थी 1 पे, ये आती थी 2 पे, ये आती थी 3 पे, ये आती थी 4 पे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, ये ऐसा अपन ने फिगर मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था, CH2NCOH, तो ये वही एडिपिक एसिड है जो अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से निकाला गया है, ठीक है जी। पहले किसी ना, अभी आएगा ना नाइलॉन, ये नाइलॉन आगे आता है ना यार, कहाँ गया वो, एक और था, चलो अभी देखते हैं ना, तो ये तो आ गया आपका नाइलॉन 6.6, ठीक है, हाँ इसमें आता है, इसमें इससे आ जाता है क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब नाइलॉन 6.6 की प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, देखिए कहाँ पे यूज किया जाता है नाइलॉन 6.6, देखो यहाँ पे, इट इज यूज्ड इन फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग वेसल, मतलब एक तरीके से कहाँ पे यूज किया जाता है इसको, ये देखो, मेकिंग शीट्स, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारी जगह यूज किया जाता है इस नाइलॉन 6.6 को, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है ओके। तो अब अगर आप पूछ रहे हो कि भाई नाइलॉन 6.4 भी बनता है, नाइलॉन 6.4 भी बनता है, तो जिस हिसाब से ये लिखा है उसी हिसाब से मानो, नाइलॉन 6.4 कैसा बनेगा, नाइलॉन 6.4 की अगर मैं बात करूँ तो नाइलॉन 6, भाई ये तो 6 ही रहेगा, ये यूनिट तो 6 ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें कार्बन कितने ले आएंगे हम, 2 ले आएंगे, तो नाइलॉन 6.4 आ गया, समझ आई बात, 6.4। तो पहले तो अपन ये वाले की हेक्सा मिथाइलिन डायमीन को लेंगे, फिर एडिपिक एसिड को लेते हैं, क्लियर है जी जी जी। पहले तो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन को लेंगे, फिर एडिपिक एसिड को लिया जाता है। ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, नाइलॉन सिक्स कैसे बनाया जाता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर, ये इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम बच्चों, ये इसको भी बहुत सी जगह अपन ने देखा हुआ है, यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स, इन सबको बनाने में काम आता है नाइलॉन सिक्स, रोप, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस, है ना, कोट्स, फैब्रिक्स, इन सबको जी, कैप्रोलैक्टम को हीटिंग करके वाटर निकल गया, वाटर निकलते ये बन गया, ठीक है। पॉलीएस्टर्स तो अपन जानते हैं, दे आर द पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और डायोन्स, तो इसकी रिएक्शन देखें तो ज्यादा अच्छा है, सीधा का सीधा सिंपल सा है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिनॉल फॉर्म, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, बेकेलाइट को अगर मैं बोलूं तो बेकेलाइट बताओ कौन से पॉलीमर के अंदर आता है बेकेलाइट? बेकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग होता है या थर्मोप्लास्टिक होता है? बेकेलाइट कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है? बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक, थर्मोडायनामिक्स मत बोल देना, बहुत बढ़िया, सभी को पता है ना, इट इज अ टाइप ऑफ, सभी को पता है ना यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग होता है, ठीक है हाँ ठीक है। तो किस किस से मिलके बनता है, किस किस से मिलके बनता है, ये बनता है, इसकी मोनोमर यूनिट्स पूछा जा सकता है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को लेके ये बनता है, आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड और अ बेस कैटलिस्ट, द रिएक्शन स्टार्ट्स विद द इनिशिएशन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सीमिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव्स,
which further reacts with phenol to form compounds having rings joined to together to form a CH2 group. तो ये देखो एक एक करके ये रिएक्शन होती जाती है. आपको पता है कि भाई OH कैसा ग्रुप है, OH एक तरीके से प्लस M ग्रुप है. तो ये एच सी एच ओ यहाँ पे कहाँ कहाँ आ गया, देखो ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो पैरा सब्सटीट्यूट हो गया, ऑर्थो और पैरा पे सब्सटीट्यूट हो गया. इसी तरीके से ये कंटिन्यू लिंकेज बनती जाती है, दैट विल बी फॉर्म टू योर नोवोलैक. Novolac on heating with formaldehyde undergoes cross-linking to form infusible solid mass that will be bakelite. It is a thermosetting polymer which cannot be. Thermosetting की यही खासियत होती है, ये जितने भी thermosetting होते हैं यही खासियत होती है. अगर आपको आपने इनको एक बार कोई भी शेप दे दिया तो उसके बाद उनको ना तो आप चेंज कर सकते हो, इट कान बी रीयूज और बींग रीमोल्डेड. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. ठीक है, दैट विल बी, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. समझ आती होगी बात सभी को. ठीक है, चलिए. द बेकलाइट इज फॉर्म्ड बाय यू क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ द पॉलीमर नोवोलैक. बेकलाइट इज यूज फॉर मेकिंग कॉम्स, रिकॉर्ड्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स. ये सब तो इनके नॉर्मल नॉर्मल से यूजेस हैं जो आपको ध्यान रखते हैं. तो ये रहा आपका बेकलाइट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. देखो मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है एग्जाम में तुम्हारा ध्यान कुछ और तुम्हारे दिमाग में थर्मोडाइनमिक्स का मान लो पहले ही सवाल सॉल्व करा हो, वो नहीं हुआ हो तो दिमाग में थर्मोडाइनमिक्स ही चल रहा हो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि थर्मोसेटिंग था या थर्मोप्लास्टिक था. ठीक है, देन मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड बोल दिया सभी ने पहले से, वेरी गुड. ठीक है, तो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इसको ये कौन सा बना देता है, दी इज अ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन. मेलामीन कैसे बनता है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बस मेलामीन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ज्वाइन करा दो. मेलामीन को किसके साथ ज्वाइन करा दो, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ज्वाइन करा दो. ठीक है, तो दैट विल बी फॉर्म योर मेलामीन पॉलीमर. रेजिन बना के इसको इंटरमीडिएट करा दो. कैसे कराएंगे इंटरमीडिएट, ये यहाँ से इनकी चेन्स आगे से आगे से आगे से आगे से ज्वाइन होती जाएगी. ठीक है, चलिए. कोपोलिमराइजेशन क्या फिनोमेना है, ये फिनोमेना है इट इज इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज इज अलाउड टू पॉलीमराइज एंड फॉर्म अ कोपोलिमर. मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज, ठीक है, मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज आर अलाउड टू रिएक्ट टूगेदर एंड फॉर्म अ कोपोलिमर. द कोपोलिमर कैन मेड बाय Not only by chain growth polymerization, but by step growth polymerization also. तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं. देखो अभी क्या था, एक ब्यूना ब्यूना एस है ना, ब्यूटाडाइन एस, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन को पॉलीमर. ये तो अपन ने ऑलरेडी अभी अभी देखा था, पी एस सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ब्यूटाडाइन. ये अभी अभी अपन ने समझा था, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन को पॉलीमर इज टफ एंड इट इज यूज फॉर ऑटो टायर्स, फ्लो टाइल्स, फ्लो फुटवेयर्स एंड केबल इंसुलेशन. ठीक है, ये नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़, वाह वाह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेचुरल रबड़ की बात आ गई है. तो रबड़ कैसे बनता है, रबड़ पे पक्का क्वेश्चन आया है ना, रबड़ पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, नेचुरल रबड़ पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे नीट में, है ना. रबड़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, रबड़ का ध्यान रखें. रबड़ इज अ नेचुरल पॉलीमर पहली बात तो, और वीक बाइंडिंग फोर्स मतलब ये आसानी से स्ट्रेच हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज वीक बाइंडिंग फोर्स एंड क्रॉस लिंकिंग्स आर देयर. और मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लेटेक्स, इट इज अ कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर, जो ट्रीज से निकलता है. जहाँ कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया, श्रीलंका, इन इन जगह आपको मिल जाता है. ठीक है, चलिए. नेचुरल रबर इज कंसिडर टू बी अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. किसका, नेचुरल रबड़, ये आता है नेचुरल रबड़ की मोनोमर यूनिट क्या है, दैट विल बी आइसोप्रीन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन. ये भी आइसोप्रीन नेचुरल रबड़ की ये क्या है, मोनोमर यूनिट है. ये आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, ये ऐसी क्या है, मोनोमर यूनिट है. वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ इज आल्सो देयर, यस वो भी पढ़ेंगे. Various chains held together by weak van der Waals interactions and has a coiled structure, thus it can be structured like a spring and exhibits elastic properties. तो ये तो समझ गए. Vulcanization of rubber क्यों करा जाता है, क्यों करा जाता है भाई, ये process इसलिए करा जाता है, natural rubber becomes soft at very high temperature and brittle at low temperature, आसानी से टूटना
सो इसको क्या करते हैं, इट इज सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट टू इम्प्रूव दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज। अ प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन इज डन। वल्कनाइजेशन में कुछ भी नहीं करते हैं, रॉ रबर को हीट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। कितना सल्फर ऐड करा जाता है, सल्फर कितना ऐड करा जाता है उसमें, 3 से 5% सल्फर ऐड किया जाता है जिससे आपका ये बन जाए। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज योर क्लॉस लिंकिंग एजेंट। ये इस तरीके से होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। दिस इज द सॉर्ट ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या नीट यूजी पोस्टपोन्ड होगा, क्या चाहते हो भाई तुम दुनिया से, नीट यूजी पोस्टपोन्ड करा दो है, क्या करोगे फिर घर पे बैठे बैठे, कुछ मोटो ही नहीं रहेगा तो। भाई कुछ मोटो बना रखा होगा ना, नीट यूजी पोस्टपोन्ड होगा क्या, नीट यूजी पढ़ो ना यार पढ़ो, जितना टाइम है उतना कम है, इतना आप सोच नहीं सकते, बहुत टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है समझे, है ना। कुछ भी यहाँ पे तुम्हें पता है 720 का पेपर है, तुम सोच लेना 720 में से अगर 721 नहीं आए तो सिलेक्शन भूल जाना तुम लोग। जितना टाइम बढ़ रहा है उसको एक तरीके से आप लोगों के ऊपर, मतलब ऐसा मानो बेनिफिट है, चलो आपको उसको यूटिलाइज करो अच्छे से, ठीक है। इतना टफ कंपटीशन है, जब तक 720 में से 721 नहीं आते तो मतलब गए काम से। ठीक है, इतने तो आने ही चाहिए, एम्स दिल्ली भी चाहिए तो तुम्हें, AFMC चाहिए, ये सब चाहिए तो, ठीक है। सो टेक इट एज ना पॉजिटिव वे, अपॉर्चुनिटी की तरह लो, है ना, करेक्ट है। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ 720 में से 721 आने चाहिए, ये कह रहा हूँ। ओनली AFMC। बस और क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर तो बहुत अच्छी बात है, 721 लाओगे तो बहुत अच्छी बात है, 721 लाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। चलिए अब देखो, वो तो पता नहीं कहाँ भाग गए लोग। चलो सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर क्या होता है, इट इज एन वल्कनाइजेशन रबर लाइक पॉलीमर। एंड सिंथेटिक रबर का कैसे, दीज आर द होमो पॉलीमर दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स और को पॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन्स दैट इज। यहाँ पे देख लेते हैं सिंथेटिक रबर कैसे बनाया जाता है। तो सिंथेटिक रबर इज फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तो ये ध्यान रखें। उसकी थी आइसोप्रीन, नेचुरल रबर की क्या थी, नेचुरल रबर की, नेचुरल रबर देखो ना ये बच्चों, इसकी कौन सी यूनिट थी अपनी, मोनोमर यूनिट, आइसोप्रीन थी। और आइसोप्रीन पे बस यहाँ पे इतना सा डिफरेंस है, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चे, आइसोप्रीन पे यहाँ पे क्लोरोप्रीन हो जाता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन हो जाती है मोनोमर यूनिट इसकी, किसकी, सिंथेटिक रबड़ की। तो आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन में आप डिफरेंस समझना, इसलिए बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन भी करेंगे अभी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे काम आता है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स, बास्केट्स, हॉर्सेस। ब्यूनाइन, ब्यूनाइन क्या है, ब्यूनाइन क्या है, जैसा ब्यूनाइस बनाया था PHCH CH2 के, तो ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल, वहां पे स्टाइरीन यूज करा था, यहाँ पे एक्राइलो नाइट्राइल यूज कर लेते हैं, तो दैट विल बी फॉर्मड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाडाइन। कैसे बना, ये बॉन्ड इधर कर दो, ये बॉन्ड इधर कर दो और इसको इससे लिंक कर दो, ये वाली स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये तो अपन की जनरल नॉलेज वाली बात होगी। हाँ, दीज आर द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, PHBB, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PHBB। कैसे आई है शॉर्ट फॉर्म, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कैसे, 3-हाइड्रोक्सी, भाई ये सीनियोरिटी है तो यहाँ पे आ गया 3-ब्यूटेनोइक एसिड था, ब्यूटेनोइक एसिड के 3 पोजीशन पे अपन ने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ये भी पेंटेनोइक एसिड था, इसमें भी 1, 2, 3, देखो कॉमन क्या है, दोनों में थर्ड पोजीशन पे OH है,
एक लिया मैंने ब्यूटेनोइक, एक लिया पेंटेनोइक और थर्ड पोजीशन पे ओएस। तो याद हो गया सभी को? कुछ भी नहीं है। देखो तीन चार पांच, इसको याद करने का तरीका क्या है, तीन चार और पांच ऐसे याद रखो, है ना। तीन इन दोनों पे लगेगा, तीन पे लगेगा, चार पांच क्या है, चार पांच ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक एसिड, पूरा याद हो जाएगा तुम्हें। इससे क्या मिलके बनता है, पीएचबीवी बनता है, खत्म। आई बात समझ में? तीन चार पांच, तीन दोनों जगह है, तीन वाली पोजीशन, थर्ड वाली पोजीशन पे ये रहा, थर्ड वाली पोजीशन पे ये रहा, और ये रहे वन और टू थ्री, मतलब ये तो तीन चार पांच, करेक्ट है। हाँ सबसे सिंपल, ठीक है, याद आई। देखो याद करने की सिंपल टेक्निक है ये, ठीक है। तो तीन यहाँ, चार यहाँ और पांच यहाँ, तो पीएचबीवी बन गया, पॉलीहाइड्रोक्सी इसको बोल देते हैं अपन। यस यस यस, वेरी गुड। इसको बोल देते हैं हम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। नाइलॉन टू एंड नाइलॉन सिक्स, देखो नाइलॉन 2.6 है ये, नाइलॉन 2.6, तो ये तो अपन बनाने की टेक्निक जानते ही हैं। इट कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोपॉलीमर? हाँ हम आराम से लिख सकते हैं। दोनों में अमाइड लिंकेज लगा दो, अमाइड लिंकेज NH2CH2, COH ग्लाइसिन का अमाइड लिंकेज बना के अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपनी पूरी टेबल है जो आपके सामने है, पॉलीप्रोपीन पॉलीमर मोनोमर, ये पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन मोनोमर, ये पीवीसी विनाइल क्लोराइड येरा मोनीमर, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से रेजिन ग्लिप्टल बेकलाइट फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, तो ये सारे पॉलीमर हैं। तो ये तो सिंपल सिंपल सी बातें हो गई। तो अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं सब लोग? बोलो जो अभी तक पढ़ा है उस पर क्वेश्चन करें, जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। तो ऑनेस्टली करना सब लोग, है ना, 1 मिनट का टाइम लेगा सब क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन भी लाया हूँ, चुपचाप चुपचाप आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करते हैं, चलो आ जाओ, दिख रहा होगा आप लोगों को, आओ आराम से। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये अपन ने कल वाले चैप्टर में पढ़ा था, वैसे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो तो कल वाले चैप्टर में, हाँ कमेंट्स में दे दो आंसर, और तो क्या है, ठीक है। कल वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स, फर्स्ट का आंसर क्या है, ये पूरा करेंगे ना अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल्स, कल कल पढ़ा था ना ये, बायोमोलिक्यूल्स में एक जगह था ग्लाइकोजन होता है, वो अपने इसको ग्लूकोज में स्टार्च को इस फॉर्म में रखता है, पॉलीमर एनिमल्स की फॉर्म में, याद हो तो तुम लोगों को, ठीक है। यस डी 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 विल बी द आंसर, ग्लाइकोजन विल बी द आंसर। मैं सोच रहा हूँ ये पूरा करा देता हूँ, है ना। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, सेकेंड वाले का आंसर बताएंगे सारे बच्चे, सेकेंड वाले का सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए थे, सारे एग्जाम्पल लिखे हुए थे वहां पे। सब लोग एकदम धड़ल्ले से आंसर दे रहे हैं, ए विल बी द आंसर, सिस पॉली आइसोप्रीन विल बी देयर, ठीक है, सिस वाला होगा, सिस वाला कंपाउंड होगा, ठीक है, सिस पॉली आइसोप्रीन विल बी देयर, ए ए होगा बेटा, ए। कमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, कमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसको ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, पान, PAN, पान भी बोला जाता है इसको, याद हो तो तुम्हें, तो बी हो जाता है ना, अभी अभी देखा था ऑलोन और एक्रिलान, बस इसमें थोड़ा यार मेमोराइज रखना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज होगी चीजें तो आप आराम से आंसर फटाफट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, दो तो ये हैं, दो अगले पेज पे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, 1 2 3 4, ये फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। तो पहला तो ये क्लोरो लिखा है वहां पे, और ये रहा बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, सोचे सोचे जल्दी से आंसर बताएं।
फोर्थ का आंसर कौन सा है? ए बी सी या डी? देखो ये रहा, तुम्हें कंफ्यूजन हो तो ये देखो, ये रहा, ये थी स्ट्रक्चर, ये थी है ना, बायोडिग्रेडेबल ये था, ओ सी सी डबल बॉन्ड सी एच टू सी एस सी, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एस सी सी ओ, ठीक है, ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अब इस पे चलते हैं, अपन, हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, देखो सी वो सी एच टू सी एस सी, तो आंसर क्या हो गया, पी एच बी बी आ गया, पी एच बी बी जैसा है ये सी आ गया, ठीक है, पी एच बी बी जैसा है सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इथाइलिन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट? इथाइलिन ग्लाइकॉल एक मोनोमर यूनिट है, इथाइलिन ग्लाइकॉल दिख रहा होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक मोनोमर यूनिट है, तो दिख भी गया होगा आप लोगों को, किस जगह है इथाइलिन ग्लाइकॉल एक मोनोमर यूनिट होनी चाहिए। ए बी सी आर डी, ए हो जाएगा है ना, ए हो जाएगा, सी एच एच सी एच ओ, ये है ना, सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एल डी पी, लो डेंसिटी पॉलीथीन? नॉट ट्रू है लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, जो कि सही नहीं है। टफ हार्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई ब्रांच स्ट्रक्चर, कौन सा? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, एल डी पी, एल डी पी, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, देखो बच्चों, मैं निकालता हूं तुम लोगों को, एक मिनट, कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो पूरा पेज है अपने पास, इसीलिए मैंने इसको साइड में खोल रखा है। एक सेकेंड, हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पढ़े, इट इज इनर्ट एंड टफ, इट इज इनर्ट एंड टफ, इट इज इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट फ्लेक्सिबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लेक्सिबल है, टफ तो होता है, टफ और हार्ड है ना, मतलब, बट इट इज फ्लेक्सिबल, समझ आई बात, इट इज फ्लेक्सिबल, ये पॉइंट को ध्यान रखें, इट इज फ्लेक्सिबल। तो अब बताएं क्या होगा आंसर, अब आंसर क्या होगा, आप सोचो, ब्रांच तो हो जाती है, ब्रांच ब्रांच ब्रांचेस तो आ जाती है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी था, फ्लेक्सिबल भी है, तभी तो वो वायर्स में यूज किया जाता है, मैंने वो वर्ड यूज करा था तुम लोगों के सामने, तो ये हार्ड के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जी, इज अ मोनोमर यूनिट हैविंग, इसकी इज अ, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अ मोनोमेरिक यूनिट, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है आप लोगों के हिसाब से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ दिस कंपाउंड? ए बी सी या डी? भाई सिंपल सी बात है, कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक है, ये देखो ये पार्ट रिपीट हो रहा है, ये पार्ट रिपीट हो रहा है, तो ये होगी इसी मोनोमर यूनिट, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये तो अभी अभी अपन ने देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी यूज एज द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट, फॉलोइंग मोनोमर यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉलीमर कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग एज द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट, कौन सा यूज किया जाता है फॉलोइंग मोनोमर यूनिट के लिए? देखो डाउट भी क्लियर होते जा रहे हैं ना सबके सबके, बताओ, अभी बताया था ये आपका, तुम्हें याद हो तो ये है कैप्रोलैक्टम, इसको बोलते हैं हम कैप्रोलैक्टम, तो ये किससे बनाया था हमने, नाइलॉन सिक्स से बनाया था, नाइलॉन सिक्स से बनाया था कैप्रोलैक्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मल्टीपल चॉइस है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान रखें, मल्टीपल चॉइस भी खत्म कर लेते हैं, थोड़े से ही हैं,
है ना, तो सिंगल वाले और मल्टीपल वाले तो पूरे हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी मैं तुम्हें उसमें करवा दूंगा 3000 क्वेश्चन सीरीज में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू और मोर ऑप्शंस मे बी करेक्ट, टू और मोर ऑप्शंस मे बी करेक्ट, दो से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नीड्स एटलीस्ट वन डाइन मोनोमर फॉर देयर प्रिपरेशन, एक डाइन लगता ही है इनकी प्रिपरेशन करते वक्त। ये डेक्रॉन नहीं है ना कि नोवोलैक है, नोवोलैक तो वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट वाला प्रोसेस हो गया, तो इसमें नहीं है। ब्यूना इसमें लगता है, ब्यूटाडाइन लगता है, आइसोप्रीन क्लोरोप्रीन वाले लोग हैं, ठीक है, तो ब्यूना एस और न्यूप्रीन। देखो अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्मोसेटिंग का, थर्मोसेटिंग का, हैवीली ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड, लीनियर, स्लाइटली ब्रांच, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, बिकम इन्फ्यूजिबल एंड मोल्डिंग सो कांट बी रियूज, या फिर सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग एंड कैन बी रियूज। 10th का सोचें, एसी चलाया जाए, एसी, एसी ऑन करें, एसी इज द आंसर। हाईली ब्रांच एंड क्रॉस लिंक्ड एज वेल एज इन्फ्यूजिबल एंड कांट बी रियूज, जैसे बेकेलाइट का एग्जाम्पल लिया था। इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोप्लास्टिक, टेफ्लॉन है, नेचुरल रबड़ है, नियोप्रीन है, या पॉलीस्टाइरीन है, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है बताएं। इलेवेंथ, थर्मोप्लास्टिक कौन कौन सा है बेटा, थर्मोप्लास्टिक कौन कौन सा है, टेफ्लोन है और पॉलीस्टाइरीन है, टेफ्लोन है और पॉलीस्टाइरीन, दीज बोथ आर थर्मोप्लास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज एज फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज एज फाइबर्स, फाइबर की तरह यूज कर सकते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जिसको फाइबर, फाइबर की तरह किसको यूज कर सकते हैं भैया, बोले हो, नाइलॉन को और टेरिलीन को, नाइलॉन को और टेरिलीन को यूज कर सकते हैं भाई, सी और डी, नाइलॉन एंड टेरिलीन कैन बी यूज एज अ फाइबर, ये ध्यान रखने हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल बताओ, एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल बताएंगे कौन कौन से हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मैंने बताया था दो तरीके का प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन एडिशन, तो एडिशन में जितना ऐड करा उतना मिल गया, कंडेंसेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो बताएं, सी डी, ऑलॉन एज वेल एज पॉरी स्टाइरीन, ऑलॉन एज वेल एज पॉरी स्टाइरीन इज द एग्जाम्पल, जी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर सॉर्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इनमें से कौन सा पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, इनमें से कौन सा पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, ब्यूटाइल, दो तो साफ ही दिख गए मुझे, दो तो बस दो ही है वो, मतलब बेकेलाइट हो गया और मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड, इससे दोनों से बनाने के तरीके होते हैं ना, बेकेलाइट और फॉर्मल्डिहाइड। एडी, एडी, अरे कंडेंसेशन, ये तो टेफ्लॉन तो एडिशन है ना, टेट्रा फ्लोरो इथीन को ऐड करके बना देते हैं, बी कैसे हुआ, ए और डी होगा ना, ठीक है, ये अभी अभी याद करवाया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से, अभी अभी मैंने तुम्हें याद भी करवाया था, तो एक तो ये करवाया था, तीन चार पांच करके याद करो, तीन चार पांच ऐसे बोला था मैंने, तो एक तो ये हो गया, एक और होता है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रिक, ये तो नहीं होता, ठीक है, जी, अच्छा 15th का ये भी बोला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेटिक रबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेटिक रबर, एकदम फटाफट से बताते जाओ, सिंथेटिक रबर कौन कौन सा होता है,
अभी अभी हमने सोचा भी था, इसको डिस्कस भी करा था, मतलब कंप्लीटली मेन मेट 16th। आराम से बताएं 16th का आंसर। एसी चालू कर दिया, बहुत से बच्चों ने एसी यहां पे भी चालू कर दिया, तो एसी वाला आंसर ले लेते हैं। पॉलीक्लोरोप्रीन एंड ब्यूना एन, पॉलीक्लोरोप्रीन एंड ब्यूना एन, दीज आर द एग्जांपल्स। 17th, यहां पे क्या क्या होता है भाई ये बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितना होगा, किसका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसका कितना कितना है, स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा कौन से होंगे। रबड़ तो होने वाला है नहीं, देखो सिंपल सी बात है, तुम बचपन से जानते हो रबड़ को। तो कौन कौन सा आंसर हो गया, नाइलॉन हो गया और पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर। एडी एडी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैव विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स, हैव विच सॉर्ट ऑफ मोनोमर यूनिट्स, विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स, विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स इनमें से कौन सी होगी, एक्रीलान होगी, पॉलीस्टाइरीन होगी, नाइलॉन होगी या टेफ्लॉन होगी। एक्रीलान, पॉलीरीन एंड विनाइलिक, समझते हो ना, सी डबल बॉन्ड सी सी एल वाली। और लास्ट वन है वल्कनाइजेशन, तो वल्कनाइजेशन और मेक्स रबड़ व्हाट, वल्कनाइजेशन मेक्स रबड़ व्हाट, इलास्टिक बना देता है, सॉल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट बना देता है, क्रिस्टलाइन बना सकता है, रबड़ को कैसे क्रिस्टलाइन बना सकते हो, अमोर्फस है, और मोर स्टिफ बना देता है। तो लास्ट वाला तो हो गया सिंपल सा, मोर इलास्टिक एंड स्टिफ, थोड़ा स्ट्रेंथ ले आता है उसके अंदर, ठीक है, मोर इलास्टिक एंड स्टिफ इट इज गोइंग टू फॉर्म। ठीक है भाई, हो गया। तो ये आज का बहुत अच्छा रहा वैसे क्लास, ठीक है, हमने सब चीज़ें अभी अभी सॉल्व कर ली है, और थैंक यू, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अब कल तो वैसे अपन 9 बजे वो कर रहे हैं बच्चों, और भी कुछ आपको चाहिए हो, मैंने ऑर्गेनिक मेरी तरफ से लगभग ख़त्म करा दी है, ठीक है, और कल 9 बजे अपन करने वाले हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है जिसमें मैराथन में मैं करा दूंगा, ठीक है। तो उसमें एक तो कोऑर्डिनेशन पी ब्लॉक का थोड़ा पार्ट, कोऑर्डिनेशन मेटलर्जी मुझे कराना है, और पी ब्लॉक का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा एक मैराथन में, ठीक है। चलो, और इसके अलावा और क्या करना है हमें, कल तो 9 बजे कल का शेड्यूल है बच्चों, कल का शेड्यूल नोट कर लो, 9 बजे 3000 क्वेश्चन सीरीज है, प्लीज उसमें रेगुलर रहना, जब जब भी कराऊँ उसमें रेगुलर रहें, आप लोगों के लिए फायदा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो आज तो हो ही गया 1 day 1 year, कोऑर्डिनेशन हाँ इसमें कर देंगे, कोऑर्डिनेशन भी कर देंगे, और मेटलर्जी पी ब्लॉक में सब उसमें करवा दूंगा, और फिजिकल तो मेरी मतलब कंप्लीट है, फिजिकल केमिस्ट्री तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है 1 day 1 chapter की भी, आप सारा मेरा देख सकते हैं। तो ये सब था, चलिए, और मिल जाएगा आपको, और कोई दिक्कत हो तो बताएं, सब क्लियर। तो कल सभी को 6 बजे आ जाना है, मतलब 9 बजे आ जाना है क्लास अटेंड करने, 9 बजे सभी को आ जाना है सीधे के सीधे क्लास अटेंड करने, ओके। मैंने ऑलरेडी वो लॉन्च हो चुका है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ऑलरेडी वो बन चुका है इवेंट, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर लो सारे, जिसने ज्वाइन नहीं करा है, नीट केमिस्ट्री हर्षित सर, ये टेलीग्राम चैनल है, और आप इसके अलावा एच ए लाइव कोड लगाओ, 10% डिस्काउंट मिलेगा, ऑल दोज यूजर्स जो 21 में और 22 में नीट देने वाले हैं उन पे अभी सफिशिएंट टाइम है, तो अभी उसको अच्छे से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो, और जो बच्चे जानते हैं मेरा 2020 में कुछ हो नहीं पाएगा, तो अभी से चालू हो जाओ, क्यों ना, 21 में अपन अच्छी रैंक लाएं, 22 में हम अच्छी रैंक लाएं। तो मिलते हैं, बाय, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जितना हो सके इसको स्प्रेड करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू ऑल।